गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो आज बिजनेस स्टेटिस्टिक्स के हमारे क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिस्कस करेंगे कि हम लोग हमारे जो भी कैलकुलेशन हमने किया हुआ है अभी तक आ, उसको हम लोग एक्सेल सीट पे कैसे यूज करते हैं तो so, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्सेल है क्या वाट इज एक्सेल तो एक्सेल इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प यू Evaluate and present information in a spreadsheet format. Spreadsheets are most often used by business for cash flow analysis, financial reports, and inventory management. Excel is so flexible that its application can be extended beyond traditional spreadsheets into the area of data analysis. We can use Excel to enter data, analyze the data. विद बेसिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड चार्ट एंड क्रिएट रिपोर्टिंग आवर फाइंडिंग्स तो हम सिंपल से शब्दों में ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा हम जो, हमारा जो भी हमने पढ़ा हुआ है जैसे कि स्टैटिस्टिक्स का डाटा uh, का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन एनालिस इंटरप्रिटेशन सब कुछ हम लोग एक्सेल पे कर सकते हैं और एक्सेल हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं हमारे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे जब हम लोग जब स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन विंडोज बार एंड क्लिक ऑल प्रोग्राम्स देन क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंडर में क्लिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तब हमारे पास एक सीट खुलता है कुछ इस फॉर्मेट में जो होता है एक्सेल और ये जो सीट है इसको हम लोग स्प्रेड बोलते हैं हर एक यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है बहुत सारा यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं अलग-अलग सीट्स -अलग होते हैं जैसे कि ये A1 कॉलम A एंड रो 1 तो ये इसका नाम हो जाता है A1 ये B1 हर एक बॉक्स का एक अपना नाम है H5 इसमें हम लोग अपना डाटा को एंटर कर सकते हैं अलग अलग टेबुलर फॉर्म में इंसर्ट कर सकते हैं हम अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं इसमें हम इंसर्ट में जाने से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा चार्ट्स पावर डायग्राम लाइन डायग्राम कॉलम डायग्राम यहाँ पे अलग अलग चार्टिकोम चार्ट शो चार्ट कर रहा है हम लोग अपने डाटा के हिसाब से अपना चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं हम हमारे पास कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो मैथमेटिकल फार्मूलाज स्टेटिस्टिकल कुछ कैलकुलेशंस के फार्मूलाज हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो सिंपल शब्दों में हम कैलकुलेटर में जितना कुछ करते हैं उससे बहुत आगे तक कैलकुलेटर एक लिमिटेड डिवाइस है लेकिन इस पर हम बहुत आगे तक बहुत बड़ा कैलकुलेशंस कर सकते हैं अपने डाटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं तो अब आ, हम लोग अगर बात करें कि चार्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए चार्ट यानी कि डायग्राम या फिर हम लोग का ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है हम उसको एक्सेल सीट पे कैसे प्रिपेयर करें तो सबसे पहले काम हमारा है सिलेक्ट द डाटा फॉर विच वी वांट टू क्रिएट ए चार्ट सबसे पहले हम अपना डाटा को एंटर करेंगे एक्सेल सीट पे जिस जो भी हमारा डाटा होगा एंड देन क्लिक इंसर्ट हम अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे फिर इंसर्ट और इंसर्ट में जाके रिकमेंडेड चार्ट्स हमारे पास कुछ चार्ट्स की लिस्ट निकल के आएंगे उनमें से ऑन द रिकमेंडेड चार्ट्स चार्ट्स टैब स्क्रॉल थ्रू द लिस्ट ऑफ दैट एक्सेल रिकमेंड्स फॉर आवर डाटा एंड क्लिक एनी चार्ट टू सी हाउ आवर डाटा विल लुक व्हेन वी फाइंड द चार्ट जब हमारे हम चार्ट मिल जाएगा फिर इस चार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं इसको वर्ड पे हम लोग पेस्ट कर सकते हैं हमारा डाटा को हमारा चार्ट को हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम अपने चार्ट को अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है यहाँ पे। ड्रो ए पाई डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग डाटा विथ एम एस एक्सएल यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट अमेरिका यूरोप अफ्रीका मिडिल ईस्ट अदर तो ये तो परसेंटेज के हिसाब से हमें दिया हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्शन को तो अब इसको अगर हमें पाई डायग्राम ड्रॉ करना है इस डाटा का तो हम क्या करेंगे एक्सेल सीट पे जाएंगे हमारा डाटा है ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग यहां से डाटा को सिलेक्ट करेंगे हमारा डाटा जो है ये हमारा डाटा हो गया टोटल को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये तो टोटल हो गया हमें और इसको हम दो तरह से कर सकते हैं एक हम यहां पे गए इंसर्ट एंड जैसे कि हमने अपना स्टेप पढ़ा रिकमेंडेड चार्ट्स में जा सकते हैं या फिर यहां पे हमारा डायरेक्ट हम पाई डायग्राम पे जा सकते हैं तो चार्ट्स पे अगर हम जाएं तो सबसे पहले हमें पाई चार्ट ही शो कर रहा है तो हम अपने पाई चार्ट को फिर ओके कर दिया हमने तो हमारा पाई चार्ट आ गया अब हम क्या कर सकते हैं इसमें हमारा अलग अलग यहाँ पे डिजाइन का पाई चार्ट दिया हुआ है हम उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जनरली हम क्या करते हैं हमेशा प्रेजेंटेशन के लिए सिंपल चार्ट्स को ही यूज करते हैं इसमें हम लोग बहुत तरीके का चार्ट मिलता है पर हम हमेशा एक सिंपल चार्ट को ही प्रेफर करते हैं जो देखने में सिंपल हो और हमारे डाटा को क्लियरली समझाए अब यहाँ पे चार्ट टाइटल को हम बदल सकते हैं चार्ट टाइटल पे यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्शन कर सकते हैं तो ये हमारा चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो गया अब इसको अगर हम लोग चाहे कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने चार्ट को वर्ड में पेस्ट करना चाहते हैं यहां से तो हम इसको आराम से यहां से यहां से इसको सिलेक्ट किया कॉपी किया और अब हम यहां पे इसके बारे में डिटेल्स इस चार्ट को अगर हम चाहें थोड़ा बड़ा करना तो हम यहां से इस चार्ट को बड़ा भी कर सकते हैं तो ठीक उसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे ड्रॉ ए बार डायग्राम यूजिंग द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्सन एम्प्लॉयड इन द वेरियस पब्लिक सेक्टर्स इन थाउजेंड तो यहां पे वेरियस सेक्टर्स दिया हुआ है एंड पार्सन एम्प्लॉयड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट लोकल बॉडीज का एक डाटा दिया हुआ है और हमें बोला गया है बार डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो हम क्या करेंगे फिर से एक्सेल सीट पे जाएंगे हमारा डाटा यहां पे दिया हुआ है पहले की तरह हम क्या करेंगे अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे एंड इंसर्ट। ये हमारा हो गया अब इसमें हम चार टाइटल्स दे सकते हैं इसको अगर राइट क्लिक करें यहां पे अलग अलग चार्ट स्टाइल्स हैं हम किसी भी एक चार्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम जब ए प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हमने एक्सिस टाइटल दे दिया तो अब एक्सिस टाइटल पे हम क्या कर सकते हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्टर्स को तो इसको हमने दे दिया सेक्टर्स और ये क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉयड और तो ये हमारा इस तरह से डाटा फिर से इस डाटा को हम लोग यहां से कॉपी करके वार्ड पे पेस्ट कर सकते हैं ठीक उसी तरह से फिर से अगर हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो यहाँ पे दिया हुआ है ए मल्टीपल डायग्राम फॉर द द द डाटा डाटा बिलो इन आउटले ऑफ एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड अब यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड प्लान के बाद में जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनका एक डाटा दिया हुआ है और हमें इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम क्या करेंगे फिर से एक्सेल सीट पे जाते हैं हमारा डाटा यहां पे दिया हुआ है हम क्या करेंगे यहां से इंसर्ट हमने यहाँ पे डाटा को एंट्री कर दिया अब यहाँ पे सीरीज जो है सीरीज को हम लोग ये सीरीज को हम लोग रीनेम कर सकते हैं पहले जैसे हम लोगों ने किया था इस सीरीज को यहाँ पे हम लोग रीनेम कर सकते हैं इस सीरीज को रीनेम कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग ब्लू फॉर सेकंड प्लान एंड दिस वन इज फॉर थर्ड प्लान हम इस तरह से इससे भी अपना चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं फिर से थोड़ा हम और एक क्वेश्चन देखें तो ये बोला है डाटा शोइंग द टोटल आउटले ऑफ एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड फाइव ईयर आर गिवन बिलो। ड्रो ए साफ डिवाइडेड बार डायग्राम अब इसके लिए हमें क्या करना है एक साफ डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ करना है तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे हमारे पास डाटा है ओ, यहां पे एक चीज छूट रहा है यहाँ पे टेक्निकल एडुकेशन था तो अब हम क्या करेंगे हमने डाटा को सिलेक्ट किया इंसर्ट, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाते हैं अब हमें यहाँ पे अलग अलग तरीके का चार्ट्स दिया हुआ है ये चार्ट हमारा प्रिपेयर हो गया ये हो गया सब डिवाइडेड डायग्राम। अब थोड़ा चार्ट को बड़ा करते हैं यहाँ पे जितना भी एक्सपेंसेस हुए हैं सबको अलग अलग एलिमेंट्री एडुकेशन में सबसे ज्यादा हुआ है फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी एडुकेशन फिर सेकेंडरी एडुकेशन फिर येलो में टेक्निकल एडुकेशन फिर सोशियल एडुकेशन ब्लू में एंड ग्रीन में तो इस तरह से हम लोग अपने चार्ट को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं हम अलग डिजाइन दे सकते हैं अब देख हम यहां से क्या कर सकते हैं चार्ट को यहां से इसको डिलीट किया ये लाइंस डिलीट हो जाएंगे या हम वर्ड पे भी जाके इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं चार टाइटल दे सकते हैं और सिंपली हमारा जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो इजीली हो जाता है तो ये चार तरह का चार्ट आज हम लोगों ने देखा बार डायग्राम का तीन तरह का सिंपल बार, बार डायग्राम मल्टीपल बार डायग्राम सब डिवाइडेड बार डायग्राम और पाई डायग्राम नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ वर्क्स दिए जाएंगे और आप लोग इसको घर पे करके प्रिंट आउट निकालोगे इसका वर्ड में कॉपी पेस्ट करके प्रिंट आउट निकालोगे और फिर इसे सबमिट करना है ओके थैंक यू